नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है सुनील राव और आप देख रहे हैं गेट सेट ट्रैवल व्लॉग। आज मैं यहाँ दोस्तों यूपी के वृंदावन धाम में मथुरा। तो दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण की जो बचपन की भूमि है और पावन धरा पर मैं आज आपको लेकर आया हूँ। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मंदिर, जिसका निर्माण है 2001 में शुरू किया गया था, जो कि 2012 तक चला, यानी 12 साल में ये मंदिर बनकर कंप्लीट हुआ। और दोस्तों ये मंदिर बहुत ही शानदार है। इस मंदिर में राजस्थान और यूपी के मिलकर आर्टिस्ट लोगों ने काम किया और बहुत ही सुंदर कलाकृति से मंदिर को बनाया गया है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस मंदिर का निर्माण में लगभग 150 करोड़ रुपये का खर्चा आ गया था। और अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा म्यूजियम मिलेगा, जो भगवान श्री कृष्ण की जो उनकी बचपन की जो लीलाएँ थी, उनकी जो अन्य जो लीलाएँ थी गोपियों के साथ, और उनकी जो काले नाग को और पर्वत को, वो अपने जो गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, उस तरह की जो बचपन की जो लीला थी भगवान श्री कृष्ण की, वो सारी की सारी एक म्यूजियम में हमें देखने को मिलेगी दोस्तों। तो बस चलते हैं और आपको इस मंदिर का दर्शन करवाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों और आपको प्रेम मंदिर के दर्शन करवाते हैं। प्रेम मंदिर जिसका नाम ही हृदय की उन गहराइयों को छूने वाले शब्दों पर रखा गया हो तो फिर कहना ही क्या। वैसे तो वृंदावन में कृष्ण जी के अनेक मंदिर बने हुए हैं और वो भी द्वापर युग के कुछ में प्रमाण भी देते हैं, जिनके दर्शन मैंने अपनी पिछली वीडियो में करा दिए हैं। लेकिन आज मैं आपको लेकर आया हूँ वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिर, यानी प्रेम मंदिर, जो कि कृष्ण जी की अनन्य झांकियों को हमें रूबरू कराता है। प्रेम मंदिर बनाने का संकल्प वृंदावन के महान संत कृपालु जी महाराज ने बचपन में ही ले लिया था और वो कृष्ण जी के अनन्य भगत थे। कृष्ण जी की कृपा तथा कृपालु जी महाराज की भक्ति ने ही इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के हजारों आर्टिस्ट ने मिलकर लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि से प्रेम मंदिर को पूरा किया, जिसको जनता के लिए फरवरी 2012 को खोला गया। तो आइए दोस्तों बात करते हैं प्रेम मंदिर की खूबसूरती के बारे में। प्रेम मंदिर वृंदावन का वो मंदिर है जिसमें आप कृष्ण जी के जीवन काल की घटनाएं, लीलाएं, विवाह, बचपन आदि को देख पाएंगे। ये मंदिर इतना सुंदर है कि आप इन्हें निहारते ही रह जाएंगे। इस मंदिर के शिल्पकारों ने इसका निर्माण इतनी खूबसूरती से किया है कि यहाँ आने वाले भक्तों का मन मोह ही लेता है। वृंदावन की यात्रा में सबसे खूबसूरत और यादगार पलों में आप प्रेम मंदिर की यादों को कभी भुला नहीं पाएंगे। मंदिर के खुलने का समय 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहता है तथा शाम को 6:30 बजे से आप 8:30 या 9 बजे तक देख सकते हैं। सुबह के मुकाबले आपको यहाँ रात में अधिक भगत दिखाई देंगे, क्योंकि प्रेम मंदिर नाइट व्यू के नाम से भी जाना जाता है। रात में यहाँ पर अनेक प्रकार के आपको लाइट डेकोरेशन और भीड़ देखने को मिल जाएगी। चलिए आपको प्रेम मंदिर की कुछ झांकियों के दर्शन करवाते हैं। यहाँ आने पर आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात यहीं विराजमान हैं। उनकी झांकियां और सखाओं के साथ मस्ती भरी प्रतिमाएं आपको यहाँ से जाने नहीं देगी। एक काल्पनिक सा दृश्य जो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं, वो आपको वृंदावन के प्रेम मंदिर में देखने को मिलेगा। आज मुझे सौभाग्य मिला वृंदावन के प्रेम मंदिर के दर्शन करने और आपको कराने का। मैं आपको मंदिर के भीतर कैमरा के साथ तो नहीं ले जा सकता, परंतु प्रेम का वो रस जरूर दिखाना चाहूँगा।
हरि बोल। वृंदावन के प्रेम मंदिर में परिक्रमा देने वाले भक्तों के सैलाब से राधे राधे नाम की गूंज आपको कृष्ण भक्ति का रस देने वाली है। भगवान के जन्माष्टमी को यहाँ विशेष प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आप कुछ खास झांकियों के दर्शन कर पाएंगे। यह भगवान कृष्ण जी द्वारा गिरिराज को 7 दिन अपनी अंगुली पर रखकर भगवान इंद्र देव का घमंड तोड़ने जैसी विशेष दृश्य आप देख पाएंगे। यह रात्रि को हर दिन पूरे मंदिर को विशेष लाइट डेकोरेशन के साथ सजाया जाता है, जिसमें आप भगवान कृष्ण की भक्ति का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप भी कृष्ण जी के भक्त हैं और वृंदावन जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय श्री राधे राधे।